वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से भजन करे वह अर्थार्थी है। अब विश्वासी भी मानव होगा, श्रद्धा वाला भी होगा, परंतु ऐसा संसार में एक व्यक्ति भी प्रस्तुत कर देवे जिसको अर्थ की कामना नहीं होगी, कि कोई भी उसको आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जो ज्ञानी भक्त होगा वह जो सहज से प्राप्त हो जाएगा उसमें ही संतुष्ट हो जाएगा। वह प्राकृत पदार्थों की ओर अपने मन को नहीं भटकाता। अर्थ की कामना से भजन करने वाला वह अर्थार्थी है। अर्थ की कामना और धन इकट्ठा कर लो, इस कामना से, यहां तक कि वह दान देता है, सेवा करता है, परहित परोपकार करता है, निष्काम रह के नहीं करता, कि भगवान ने कहा इसका बड़ा उत्तम फल होता है, तो इससे धन दौलत इत्यादि ये सब कुछ प्राप्त होता है। इस भाव से वह सेवा भी करता है, जाप भी करता है, पाठ भी करता है, यज्ञ भी करता है, और भी पुण्य कर्म के कार्य करता है, परंतु उसके पीछे उसका मनोरथ रहता है। परंतु जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है वह ज्ञानी है। अब वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, गृहस्थ का सुख भोगते हुए भी अपने मन को बड़ी श्रद्धा से और विश्वास के साथ अपने इष्ट और गुरुदेव के साथ जोड़े रखता है। उसे कोई कामना नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, और कभी व्याकुल नहीं होता, निर्लेप हो जाता है। साधक अपनी अवस्था को देखे, ऐसे साधक श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य जिनकी ऐसी अवस्था बड़ी सुगमता से साधकों ने देखी है, गृहस्थ जीवन में है परंतु साधु भाव, किसी भी कार्य के लिए चिंता नहीं होती, वह दृढ़व्रती होते हैं, मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं, इस पर दृढ़ता से विश्वास रखते हैं, दृढ़ता से, और उनके कार्य पूर्ण होते हुए इन्हीं आंखों से देखे हैं, और बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। प्रयास करने वालों को, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वालों को, अपनी वैभवता, अपनी ऐश्वर्य, अपनी धन दौलत दांव पर लगा के कार्य करने को असफल आज भी देखा जा सकता है, परंतु वह दृढ़व्रती परम विश्वासी, परम श्रद्धा युक्त, उनका योगक्षेम भगवान किस प्रकार से संभाले हुए, किसी प्रकार की चिंता नहीं। चिंता केवल उस परमेश्वर ने जो विधान वर्णन किया गया है, भय का त्याग, भय नहीं रखा कदापि किसी से भी, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर ने भी कोई गलत ऑर्डर दे दिए तो उसको मानने से इनकार कर दिया इत्यादि। निर्भयता,
मेरा रक्षक, मेरा पालक, मेरा राम है। वह राम के अतिरिक्त और किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होता। अपने भक्त की रक्षा सुरक्षा वह परमपिता परमात्मा आप किया करता है। विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है वह ज्ञानी है। भगवान के अतिरिक्त और किसी से भी किसी प्रकार का सरोकार उसे नहीं है। अपना कर्तव्य कर्म करता चला जा रहा है परंतु लालसा नहीं रखता, दृढ़ व्रति है। अब इस अवस्था में जाप करने वाला, इस अवस्था का विश्वासी, इस अवस्था का श्रद्धावान ब्रह्म की प्राप्ति करता है, क्योंकि वह इन विषयों से, इन वासनाओं से वह बहुत परे हो जाता है। समय पूरा हो गया, यह प्रसंग हम सबके लिए बहुत उत्तम है। यह जो उदाहरण है यह प्रत्यक्ष में, क्योंकि ध्रुव धारणा और प्रहलाद ये प्रसंग पिछले युगों के हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है। आज के कल युग में भी ऐसे भक्त, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे श्रद्धावान प्रभु श्री राम प्रेमी हुए हैं, जिनका उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में वही जो हमारे शास्त्रों में मिलता है, हमारे ही साधना में लगे हुए महाराज के शिष्य, ये उदाहरण के लिए हम उनको स्मरण करते हैं। कैसी साधना हो। गुरु महाराज के इन शिष्यों ने ही वह कर दिखाया जिसका वर्णन वेदों में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। धन है ऐसी पुण्य आत्माएं जिन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किए। हम सब उन सभी पुण्य आत्माओं को नमन करते हैं, उन महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने ये हम सबके लिए स्वयं करके हमें मार्ग दिखा दिया। हे गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद है। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। प्रसंग में इस कदर खो जाते हैं, भूल जाता हूं रोज अनाउंस करना कि जो चिंतपूर्णी के सत्संग रखा हुआ है रविवार का, तो उसमें बहुत से साधक अपनी कारें लेके जा रहे हैं, अपनी कार अपनी कन्वेंस के द्वारा जाएंगे, तो उनके साथ भी अब इस युग में ना तो इतना धन दौलत सबके पास है कि वह धार्मिक स्थानों का निर्माण करें, ना इतना समय, ना इतना पैसा है। पुरातन काल में सरायें बनाना, ये धार्मिक स्थानों का निर्माण करवाना, ये बड़ा पुण्य कर्म, शुभ कर्म। परंतु आज के युग में जो सुगम है, जो ये पुण्य कर्म के लिए, शुभ कर्म के लिए जो जाना चाहता है, उनको सहयोग दे देना, उनको अपने साथ ले जाने का कोई भी साधन जो है, उनका खर्चा भी उठा लेना, ये वही पुण्य कर्म है कि जैसे सराय का निर्माण कर दिया, कोई शुभ कर्म कर दिया, कोई यज्ञ कर दिया किसी को। इस तरह अब माता चिंतपूर्णी की बहुत महिमा है। जो भी साधक जाना चाहते हैं, एक तो यहाँ सत्संग की ओर से निःशुल्क बस का प्रबंध कर दिया गया है, परंतु उसमें तो 45-50 लोग आएंगे। इसके अलावा भी कोई जाना चाहे तो जो
मेरे भाई बहन अपनी कारों में जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर दी गई कि अगर एक सीट भी खाली है, किसी को भी जो जाना चाहता है उसको उस तीर्थ पर ले जाया जावे। भगवान के गुणगान होंगे, माता चिंतपूर्णी धाम के वह दर्शन होंगे। यह पुण्य कर्म, यह शुभ कर्म परमेश्वर सबसे करवाता रहे, इतना समर्थवान तो सबको बनाता रहे। तो यहाँ से रविवार को प्रातः 10:15 बजे सबके लिए नाश्ते का प्रबंध होगा, वह बस में मिल जाएगा, चाय पान सब मिल जाएगी। सत्संग के पश्चात ही बस खड़ी होगी, तो तुरंत उसमें जाके बैठना होगा जो भी जाना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पहुँचते ही सबके लिए भोजन का प्रबंध है, और सत्संग के पश्चात चाय के पश्चात मंदिर में जाके दर्शन, और उसके पश्चात लुधियाना के लिए प्रस्थान किया जाएगा। तो इसमें जो जो भी आप सहयोग दे जाना चाहे, सहयोग से तात्पर्य के इस शुभ कार्य में जिस जिस को भी साथ लेके जा सकते हैं वह, बाकी निःशुल्क बस तो जा ही रही है। परमेश्वर की बड़ी कृपा है, वह महाराज अपने कार्य स्वयं चला रहे हैं, हम तो केवल निमित्त बनाया हुआ है, हमें केवल हाथ पांव के द्वारा हम तो दिख रहे हैं करते हुए। करण करावन आप, वास्तव में उनकी ही शक्ति ये कार्य कर रही है। जितना बन सके अपने जाप में अपना निरीक्षण कीजिएगा कि मैं इन चार भक्तों में किस प्रकार का भक्त हूँ। और महाराज भगवान ने कहा, मुझे ज्ञानी प्रिय है जो इन सभी झंझटों से मुक्त होकर के मेरी उपासना करता है, उसको ही ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। तो उसको और विस्तार से इसको कल से स्मरण करेंगे। सर्वशक्ति माते